हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसा आज बाजार में हुआ, यानी कि बाजार सीधा सीधा -45 डिग्री के ऊपर ट्रेड करता है। यानी कि पहले से ऐसा लग रहा है कि सुनिश्चित था कि आज की जो ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से डील कर रहा है। बाजार एक तरफा जो है गिरते हुए नजर आए, बाजार ऊपरी लेवल पर खुले खुलते के साथ नीचे की तरफ राह बनाते हुए नजर आए। और आज का जो पेन है वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए भी लगेगा कि बाजार क्योंकि पहले ऊपर गए और ऊपर से फिर टूटे। निफ्टी बैंक में देखिएगा 33648 पे खुले, ऊपर गए थोड़ा और उसके बाद सीधा 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 नीचे नीचे नीचे। जैसे ऐसे लग रहा था कि बाजार आज बिल्कुल नीचे ही उतरने वाला है। लेकिन इस चर्चा को हम शुरू करते हैं कल से। कल हमने जो चर्चा की थी और इवन परसों भी जो चर्चा की थी, उस चर्चा में मैंने ये कहा था कि बाजार एक बाउंस देना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक हमने बात बोली थी आपके साथ कि हम ये मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बाजार उसको तो डिस्काउंट कर चुका है, लेकिन अगर 75 पैसे हुआ तो फिर थोड़ा सा बाजार के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि 33,800 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन होता तो एक अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई भी मूव आपको 33,800 तक मिला ही नहीं। तो ये तो निश्चित हो गया था कि भाई 33,800 में बाजार सस्टेन नहीं हो रहा और बाजार एक भी अप मूव नहीं दे रहा था इंट्राडे। तो उसके बावजूद हमें ऐसा लगता था कि 33,000 का जो लेवल है और 32,800 के बीच में जो लेवल है, जो हमने आपके साथ चर्चा की थी, उसको सस्टेन करेगा, उसको होल्ड करेगा। लेकिन वहाँ पर भी बाजार नहीं रुका और बाजार ने आज बुल्स की धज्जियाँ उड़ा दी। सिमिलरली हमारे भी जो पोजीशंस थी वो नेगेटिवली रिएक्ट करती हुई नजर आई और आज हमने भी जो है जिस तरीके का बाजार था उसके हिसाब से कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, कुछ लॉस बुक किए और बाजार हमारी उम्मीदों के अनुरूप आज काम करता हुआ नजर नहीं आया। और बाजार ने सबसे खास बात क्या है कि सारे अहम लेवल तोड़ दिए। अहम लेवल जो मैं निफ्टी के अंदर मान रहा था 15,550 और 650 और 550 के बीच में रिस्पेक्ट दे रहा था बाजार, 550 को तोड़ा और बाजार उसके नीचे चले गए। उसके बाद निफ्टी बैंक जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 32,800 से 33,000 के बीच में हर हाल में जो है सपोर्ट दिखाएगा, तो 32,800 भी टूट गया। हालांकि मैं थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड किया 800 के पास, तकरीबन आधा घंटा के आसपास जो है 800-900 के बीच में झूलता रहा, लेकिन फाइनली आज जो है ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं वो इस तरीके से थे कि सब सेलर्स जो है एक्टिव थे। आप लोग सोच रहे होंगे यार निफ्टी बैंक में ऐसे बड़े मूव आजकल थर्सडे के दिन क्यों होते हैं। मुझे इसके कुछ रीजंस लगते हैं, कुछ लॉजिक लगते हैं और ये मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी कि देखिएगा जब आज से 2-2.5-3 साल पहले अगर हम जाओ उससे पहले की स्ट्रीम देखेंगे तो मीडिया कहती थी कि ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जनरली ऑप्शन बाय करता था और ऑप्शन सेलिंग जो है जो FIIs है, ये जो बड़े HNI इन्वेस्टर्स हैं, वो करते थे। तो अल्टीमेटली रिटेलर बेचारा लॉस लेता रहता था। लेकिन अभी पिछले कोविड के बाद जो सिचुएशन हुई उसके बाद बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आए और उन ट्रेडर्स ने स्पेशली ऑप्शन सेलिंग का रास्ता भी अपनाया और ऑप्शन सेलिंग में जो है पैसे भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छे बनाए। तो अब ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है कि एज होता है आपके ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, तो उसका फ़ायदा जो है बहुत सारे ट्रेडर्स ने उठाया। लेकिन अब बाजार क्या करने लगा है कि लास्ट दिन के अंदर वो ऐसे ऑप्शन सेलर्स को बीट करने की कोशिश करता है जो कि एक तरफा बड़े मूव्स को जनरली झेल नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे जो बैक टेस्टिंग में बहुत सारे एल्गोज हैं जो पीछे पास्ट में बैक टेस्टिंग करने के बाद भी बहुत सारे स्टैडल्स की या स्टेंगल्स की जो ट्रेड्स हैं उनको प्रिडिक्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो एल्गोज हैं, जो छोटे मोटे एल्गोज हैं, उनको बीट करते हैं बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स। तो ये रीजंस हैं बड़ी वोलेटिलिटी के
नॉर्मल रीजंस के अलावा। तो ये जो थर्सडे के सेशंस में आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ऑप्शंस 5-5 10-10 रुपए की रहती हैं और बड़े प्लेयर्स एक साइड का मूव प्ले कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, ये मुझे मुख्य रीजंस लगते हैं। जहां तक बात करें आज के सेल ऑफ की, तो जिन लोगों का नजरिया हमें लगता है कि थोड़ा सा लंबा है, अगर वो 3 से 6 महीने और इवन साल भर तक, तो मुझे बहुत सारे शेयर्स ऐसे लग रहे हैं जो मैं आज आपके साथ जिक्र भी करूंगा, जो मुझे लगता है कि बाइंग लेवल के ऊपर आ गए हैं। और बाइंग लेवल्स पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छी है। तो उन शेयर्स के जो है जिक्र मैं आपको करूं इसी वीडियो के अंदर, मैं करने की कोशिश करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहला शेयर है मेरी जो पसंदीदा शेयर है वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स क्यों हैं? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका जो खामियाजा है वो देखिएगा बैंकों को भी भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन जितना बाजार गिरा है उतना नहीं भुगतना पड़ेगा। और मेरा पहला जो शेयर है वो है HDFC बैंक। आज इसने अपना 52-week लो लगाया है, और तकरीबन यहाँ से 30 या 40 रुपये नीचे अगर आप जाओगे तो इसके जो मल्टी ईयर्स जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो आ जाते हैं। तो शायद 30 या 40 रुपये का रिस्क और हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म्स के अंदर और ये शेयर्स यहाँ से 10 से 15% की रिटर्न्स दे सकता है। मैं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट 10 से 15 ट्रेडिंग वाली जो रिटर्न्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये चर्चा मैंने पिछली बार जब 1281 का भाव आया था तब भी मैंने बात की थी, हालांकि तब मैंने 1305 1306 के आसपास ही बात की थी। वहाँ से तकरीबन 100 रुपये की चाल जो है इसने दिखाई। अब दोबारा से मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक जहाँ पर है यहाँ पर बहुत अच्छी वैल्यू जो है हमें लगती है इस शेयर्स के अंदर। दूसरा शेयर है जो मेरा पसंदीदा है बैंकिंग स्टॉक्स में ही, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप इसे 30 या 40 रुपये नीचे जाएंगे तो 52-week लो भी है। और जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में इंटरनेशनल बिजनेस है, असेट्स मैनेजमेंट का बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, उन सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमें लगता है कि 1675 रुपये के जो भाव है वो काफ़ी बेहतरीन है। और मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट खराब आएंगे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स के जो रिजल्ट थे पिछले क्वार्टर्स में वो अफेक्टेड नहीं थे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। हालांकि इस क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोन्स हैं जो बैंकों ने बांटे हैं उनके अंदर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्पेशली हाउसिंग लोन के अंदर। तो वहाँ पर बैंकों को नुकसान नहीं होना बल्कि फ़ायदा ही होना है। तो कुल मिलाकर ये जो सेगमेंट है मुझे नहीं लगता कि बैंकों पर इतना बड़ा पेन आएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाएगी और ग्रोथ के रेट जो है 1 या 2% कम हो जाएंगे, लेकिन उसका इतना बड़ा खामियाजा जो बैंकिंग शेयर्स में जो करेक्शन हुई है वो हमें नहीं लगता कि लंबे समय तक नीचे रहने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा जो मुझे लगता है वो लगता है ICICI बैंक। ये भी मेरा पसंदीदा है, और रीज़न ये है कि इन तीनों की वैल्यूशंस बहुत अच्छी हैं। दिग्गज है, हालांकि जिन लोगों के पास SBI एक्सिस है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन मैंने अपनी पसंद आपके साथ जो है शेयर किया। इसके अलावा अगर और शेयर्स की मैं बात करूँ जहाँ पर मुझे वैल्यूशंस बहुत अच्छी लग रही हैं, तो उन शेयर्स में है TCS। तो जो TCS का शेयर है, हालांकि आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा है, और TCS का जो शेयर है वो बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर आ गया है। तो जो चौथा शेयर है वो है मेरा TCS का। तो TCS भी एक अच्छी बाइंग वैल्यू यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो ये तीसरा चौथा शेयर था, हालांकि देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का या नैसडेक में जिस तरीके की गिरावट है तो थोड़ा सा पेन हो सकता है, तो आप TCS में शायद थोड़ा सा इंतजार भी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं है। और चौथा शेयर्स मुझे लगता है, सॉरी चौथे और पांचवा शेयर्स भी मुझे IT स्पेस में ही लगता है इन्फोसिस, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ये शायद इन्फ्लेशनरी प्रेशर से इम्पैक्ट तो होंगे लेकिन इतना नहीं होंगे जितना शेयर्स की पिटाई हो रखी है। इन्फोसिस में भी अगर आप थोड़ा सा इंतजार करें तो हो सकता है कि 10-20 रुपये और नीचे मिल जाए, बट SIP मोड के अंदर इन्फोसिस या TCS जैसे जो शेयर्स हैं वो रखने लायक वैल्यूशन में बनते हैं। तो ये जो शेयर्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, और बाजार में हालांकि हमारी एंटिसिपेशन से आज ज़्यादा वीकनेस हो गई, हम इतना उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम तो बल्कि पुल बैक की उम्मीद कर रहे थे और पुल बैक हुआ लेकिन वो सस्टेन ही नहीं हुआ। पुल बैक जो हुआ वो 200-300 पॉइंट का, हम उम्मीद कर रहे थे कि 800 के ऊपर जाए बैंक निफ्टी, और इसी तरीके से 16,000 तक हम उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ गई। और कल के लिए मेरे क्या रुख हैं वो अभी आपको वीडियो एनालिसिस में हम बात करेंगे, क्योंकि आज अहम लेवल टूट गए हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है बुल्स का वो टूट गया है। आप में से भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी मायूस होंगे आज, लेकिन देखिएगा बाजार में चीज़ें चलती हैं। ये मायूसियत के बीच में ही देखिएगा, जब बाजार चल रहे थे अच्छे
वो भी तो आपने एंजॉय किया था, तो ये बाजार का पार्ट है। तो लाइफ में जिस तरीके से सभी तरीके के दिन आते हैं, तो बाजार में भी उसी तरीके के दिन आते हैं। वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये जो भी 5 शेयर्स मैंने आपको बताए हैं, ये एक तो लार्ज कैप शेयर्स हैं, और सबसे खास बात यह कि जब मैं आज HDFC को देख रहा था, तो 15 से 16 की फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर आ गया, 15 से 16 की प्राइस अर्निंग के ऊपर ये शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने जो पहली पसंदीदा जो शेयर्स है वो मेरा HDFC बैंक है, और मैं डिस्क्लोज़र भी बता दूँ, HDFC बैंक के अंदर मेरी लॉन्ग पोजीशंस हैं, और मैंने कल भी डेवलप की थी, और यानी कि कल भी बनाई थी, और आज भी जो है वो पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी मेरी जो पोजीशंस हैं, तो वहाँ पर भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो 5 में से जो 3 शेयर्स हैं वो बैंकिंग दिग्गज है। इसके अलावा TCS का शेयर्स मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर है, तो वहाँ पर भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। हालांकि मुझे इन्फोसिस भी पसंद है, हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी मात्रा में हमारे पास पुराने जो शेयर्स हैं इन्फोसिस के, हाल फिलहाल की बाइंग नहीं होगी, लेकिन पुराने शेयर्स हो सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में या फैमिली मेम्बर्स के पोर्टफोलियो में इन्फोसिस भी हो। तो ये जो सारा मैंने आकलन किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी बनाना है, और जो 5 साल 10 साल के लिए भी, तब भी उनके लिए भी मुझे लगता है 5 शेयर्स एक मजबूत दिग्गज शेयर्स हैं, वो काफ़ी मुझे लगता है कि ठीक रहने वाले हैं। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। अगली वीडियो में मार्केट का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, तो पिछले 1 से 1.5 घंटे के दौरान जो है हम कोशिश कर रहे थे कि प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए, लेकिन काफ़ी समय लगा। तो उसके बाद जो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की आपके साथ, तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।